सुकेश चंद्रशेखर, ये नाम अपरिचित नहीं रहा। ये नाम केवल ठगी और पैसे कमाने का नहीं है। ये कहानी अब एक त्रिकोणीय प्रेम में फंस गई है। ये कहानी सुकेश चंद्रशेखर, जैकलिन और नोरा फतेह अली खान की है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर में पहुंच गई है। सुकेश चंद्रशेखर जो केवल 32 साल का है और उसका जन्म बेंगलोर के एक मध्यम परिवार में हुआ था, कैसे उसने पैसे कमाने की हवस में ठगी करना शुरू किया और अब जेल में बंद है। वह जेल से ही जैकलिन से प्रेम करने लग गया और उसने जेल से ही वीडियो कॉल करता था। एक दिन में 10-10 कॉल करता था और जैकलिन भी उसके प्रेम में फंस गई थी। लेकिन उसकी जो हवस थी वो किसी से छुपी नहीं। उसने एक अन्य हीरोइन ईरानी के जरिए नोरा फतेह अली को अप्रोच किया और उसे आलिशान घर, गाड़ी, बंगला देने की बात कही और उससे भी प्रेम करने लग गया। जब नोरा फतेह अली खां को पता लगा कि वो जैकलिन से प्यार करने लग गया है तो वो मनीमल जलने लग गई और उसने सुकेश को, जैकलिन को छोड़ने को कहा। लेकिन जैकलिन और सुकेश दोनों रिलेशनशिप में थे, उनमें प्यार हो गया था। लेकिन जब मामला मनी लॉन्ड्रिंग का आया और जैकलिन के खिलाफ भी FIR हुई तो फिर जैकलिन ने ED के सामने रो पड़ी और उसने कहा कि सुकेश ने उसकी भावनाओं से खेला, उसे ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं था। जब भी वो जेल से कॉल करता था तो पीछे पर्दे टंगे होते थे और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो जेल में बंद है। और वो हमेशा जब भी उसके साथ जाती थी तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाती थी, प्राइवेट प्लेन से जाती थी और केरल में ज़्यादा ये लोग घूमते थे। और ये बात जब नोरा को पता चली तो नोरा ने सुकेश को भड़काना शुरू किया और उसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस यहाँ तक पहुँच गया कि नोरा ने दिल्ली की पटियाला कोर्ट में जैकलिन के खिलाफ केस दर्ज कर दिया, उसके खिलाफ मानहानि का, वो भी क्रिमिनल मानहानि का केस दर्ज किया है और उस केस में 25 मार्च को सुनवाई होगी। और अब सुकेश ने एक पत्र लिखा है ED को और कहा है कि नोरा ने जैकलिन से उसके संबंध बिगाड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत दबाव डाला और तरह तरह के आरोप लगाए और जो भी आरोप नोरा ने लगाए हैं वो सब गलत हैं। तो अब नोरा सुकेश और जैकलिन दोनों के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये मामला कोर्ट में चलेगा क्योंकि ये मामला 200 करोड़ रुपए की ठगी का है, 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो ये त्रिकोण जो एक प्रेम कहानी थी वो अब क्रिमिनल कहानी में बदल गई है और इस कहानी का अंत क्या होगा ये अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट करेगा। शुरुआत में पटियाला हाउस कोर्ट मानहानि का मामला सुनेगा और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो सुन ही रहा है, जहां जैकलिन हर हफ्ते हाजिरी लगाने के लिए आती है। तो इस कहानी का अंत क्या होगा ये हम आगे चर्चा करेंगे।